Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jai Ho. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
निरीक्षण समन्ता
कान लाग जुदि मात प्रमेयम् त्वमाखरम् वारमं त्वमस्य विश्वस्य वरम् निवारणम् त्वमव्ययः शाश्वतगर्भलोकाः सनातनस्त्वम् पुरुषो मतो मे अनादि मध्यान्त अनन्त वीर्य मनन्त बाहु शशि सूर्य नेत्रम् हर्षामि त्वां दीप्त उत शव त्वं स्वगे स्वविदम् अलङ्कम् द्यावाग्विधेयो जिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयोगिनन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिकोष्ठलाभि रोद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते स्मितास्यैव सर्वे सानेशतवीत्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता नितिहो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य वरं विधानम् भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूप वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य सुसहस्रते क्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारथप्रेष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदये।
गीता जी का पाठ 16वां अध्याय श्लोक संख्या 13 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमार्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु इदमद्यमयालब्धो मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मयाह च शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगि सिद्धोऽहं बलवान् श्रुतिः आद्योऽभिजनवानस्मि को न्योऽस्ति सविषो मया यक्षेदास्यामि मोदिश्य नित्यज्ञानविमोदिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता सक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते गाम्भीर्येण विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं
कामं कुर्वन् च संस्थिता मामात्मपरदेहेषु तद्दुषन्तु भस्मूयता तानहं दुषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् शिवाम्यगस्मशुभानास्मुरीष्वेवयोनिषु आसुरिं यो निमापन्ना मूढजन्मनि जन्मनि नामाप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् सुविधं नरकसेवं द्वारं नाशनमात्मना कामक्रोधस्तथा लोभस्वादेतत्रयं त्यजे एकैर्विमुक्तः कौन्तेय समो द्वारे श्रीनर आचरत्यात्मनः श्रेयस्तूयात् परां गति यशास्त्रविधिमुष्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराङ्गति तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि कर्म कर्तुमिहारसि ॐ तत्सत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे हरी शरणम् हरी शरणम् हरी श
नारायण 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 राम 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 परा कृष्ण वंदम परम राक्षसी सौंदर्य सहसपू वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोषणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीताय नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितवरान् नवनीतराभात् पीतांबरांदरम कृष्णात्मे हरि ओम परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमस्ते नारायण 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 अवचारो महाराज कोई बात पूछो सराव प्रसंग कोई क्या सुना मैं भगवत प्राप्ति तो लालसा जोरदार चाहिए जिस लालसा में दूसरी लालसा सब खत्म हो जाए एक ही लालसा रह जाए तो प्राप्ति हो जाएगी। इसमें केवल लालसा की कमी है और कोई कमी नहीं है और लालसा वो संसार की है उतनी वह गलती है और संसार की वस्तु मिलने वाली है बिना लालसा इतनी मिलेगी लालसा करोगे तो उतनी ही मिलेगी उसमें फर्क पड़ेगा नहीं और परमात्मा की लालसा जागृत हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी पर बिना लालसा के नहीं होगी। संसार की वस्तुओं मिलने में संसार की लालसा कारण नहीं है उसमें तो भगवान का विधान कारण है इस बात लालसा से कुछ फर्क पड़ता नहीं लालसा से अभाव का अनुभव होगा। कर्म साध्य से क्योंकि प्रार्थना है कर्म नहीं है प्रार्थना करो परमात्मा से कर्म साध्य नहीं है उपासना साध्य कर्म साध्य तो सुख दुख की परिस्थिति अगर आ जाए उसके लिए है सुख आई परिस्थिति आने वाली है शुभ कर्म से और तो बड़ा खराब और नशा होती हुई प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है अशुभ कर्म से भगवत लालसा सत्संग से भक्तों के चरित्रों के सुनने कहने से भगवान के चरित्र सुनने कहने से और भगवान की प्रार्थना करने से भगवान नाम का जप कीर्तन करने से ये किया जाए भी मेरी भगवान में लालसा हो जाए ऐसी भावना पूर्वी किया जाए तो जागृत हो जाएगी। संघ का विशेष असर पड़ता है जैसा संघ करे वैसा रंग चढ़ता है तो लालसा वालों का संग करें अच्छा जिनको प्राप्ति होगी उन पुरुषों को चरित्र पढ़े वाणी पढ़े उनके ग्रंथ पढ़े और बोलो देखो चाहे विश्वास करो भगवान पर चाहे करो त्याग पर कर्मयोग पर चाहे करो अपने पर तो अपने पर विश्वास करने की बात है ये है कर्मियों के द्वारा साध्य तो ये तू आत्मरति से आत्मा में ही रति हो आप आत्मनिर्व संतुष्ट है
अपने में तृप्ति है, अपने में रति है, अपने में संतोष है, उसके लिए भी कर्तव्य कोई बाकी नहीं है। कर्तव्य पूरा हो गया। कर्म योग में कर्मों में आसक्ति नहीं चाहिए, फल में आसक्ति नहीं चाहिए, कर्म त्याग में आसक्ति तीन जगह नहीं चाहिए। कर्मण्य वाधिकार से माँ फलेश कदाचना माँ कर्म फल हेतु माँ से संगोष अकर्मणि। तो अकर्म से आसक्ति चाहिए, कर्मों में आसक्ति चाहिए, फल में आसक्ति नहीं चाहिए। जब ये तीनों दूर हो जाती है तो यश तो आत्मरति हो जाएगा, आत्म प्रीति तुष्टि पुष्टि सब कुछ आत्मा में हो जाएगी। क्योंकि फल में नहीं रहेगी तो संसार में असुति बढ़ जाएगी। संसार जितना हमारे को मिला है हमारे किए कर्मों के अनुसार ही मिला है, और कर्मों में निष्काम भाव हो जाएगा। इनकी फल की इच्छा नहीं है, ना कर्मों की इच्छा है, ना कर्मों के त्याग की इच्छा है, इन कर्मों के साथ में कोई संबंध नहीं हमारा। तो फिर यह स्वात्म श्री हो जाएगा। कर्म योग के द्वारा सिद्ध पुरुषों को प्रसिद्धि प्राप्त हुए पुरुषों के ये दो लक्षण दो श्लोक लक्षण है। तो केवल दूसरों के हित के लिए कर्म किए जाए, वो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के द्वारा जो किया जाए केवल लोगों के हित के लिए किया जाए, अपने लिए नहीं। शरीर संसार का है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, इनकी संसार के साथ एकता है। स्थूल संसार के साथ स्थूल शरीर की एकता, और सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। तो यह एकता होने से इनके लिए ही ये किया जाए। तो कर्तव्य कर्म करना केवल लोगों के हित के लिए, अपने लिए नहीं। भजन ध्यान जप चिंतन करना दुनिया के लिए, अपने लिए नहीं। समाधि लगाना ध्यान करना वही समाधि भगवान के, अपने लिए नहीं, संसार के हित के लिए। कार्य होते हैं स्थूल शरीर से, चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर में, समाधि होती है कारण शरीर में। ये सब केवल संसार के उपकार लिए, इसके लिए करना ईमानदारी है, इसमें कोई विलक्षणता नहीं है। अपना कुछ घर का लगता नहीं है। जैसे भगवान का भक्त भगवान की समझ करके सब चीज भगवान के अर्पण कर देता है, ऐसे कर्मी होगी अपने पास दो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इनको सबको संसार का मान करके संसार में दे देता, संसार का इस्तेमाल करता। तो ईमानदारी है ये, इस ईमानदारी से कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। कर्मयोग सिद्ध होने पर यह आत्मान आत्म संतुष्ट सच्चे कार्य विजय से कर्मयोग से कृतकृत्य होता है, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य होता है, और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य होता है। ये तीन हो जाती है, उनमें शरीर पूर्ण हो जाता है। इनमें से एक भी ठीक हो जाएगा तो दूसरे साथ में हो जाएगा। ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा तो कर्तव्य और ज्ञात प्राप्तव्य बाकी नहीं रहेगा। ज्ञातव्य तत्व को जान लेगा तो प्राप्तव्य और कर्तव्य बाकी नहीं रहेगा। इसमें किसी को एक को तीन हो जाएगा साथ में। एक में प्यास है समय उधर विन्दते फलम। इस वास्ते ये तो आत्मा से हो, इसका अर्थ हुआ आत्मा के बिना दूसरे कहीं जगह रसी न हो। रसी नाम प्रीति। शंकरदास जी महाराज वाणी में आया कि एक रति पे न पावर रति को, बचपन पड़ी थी वाणी, उसमें एक रति पे न पावर रति को क्या अर्थ हो भाई, एक रति पे न पावर रति को। एक परमात्मा में रति नहीं है तो कोई काम नहीं, उसको कुछ मूल्य नहीं है, ये मतलब है। तो आत्मरति है ये कब होगी, संसार में रति नहीं होगी। संसार की पदार्थ में संतोष नहीं होगा, संसार की चीजों में रमन नहीं होगा, तब आप से आप आत्मरति हो जाएगी।
वो माने तो और नहीं माने तो, जाने तो और नहीं जाने तो, चाहे तो और नहीं चाहे तो, स्वाभाविक हो जाएगी। बाधा की ये जड़ में रहती है, प्रीति है, संतुष्टि है, यही बाधा है। रुपया लगे, अच्छा लगे, भ्रमण करे तो आत्मरति नहीं होगी। रुपया मिले में संतोष हो, मन में सुख हो तो आत्म सुख नहीं, आत्मरति नहीं होगी। और ज्यादा मिल गई चीज ने अगर संतोष कर दिया तो पार अपने आत्मा में संतुष्ट नहीं होगा। ये जड़ में जितनी है इतनी ये बाधक है। नाशवान में रति प्रीति तृप्ति है, तब तक अविनाशी में रति तृप्ति नहीं होगा। ये बात है। तो विनाशी की तृप्ति रति संतुष्टि है वो काम की नहीं है। ये ठहरेगी भी नहीं, क्योंकि जन्म करोगे विनाश हो जाएगा, रुपयों के साथ वियोग हो जाएगा, कुटुंब में प्रति करो कुटुंब का वियोग हो जाएगा, आप खेल तमाशा में रति करो खेल करो संतोष करो इसका वियोग हो जाएगा। ये साथ रहने की नहीं है। बड़ी एक मूल्यवान बात बताऊं कि बिना भगवान के संसार के साथ आप रह सकते ही नहीं। एक भगवान के साथ रह सकते हो हरदम, संसार के साथ रह नहीं सकते। बाल्य अवस्था के साथ आप नहीं रह सकते, जवान अवस्था के साथ आप नहीं सकते, वृद्धावस्था के साथ नहीं रह सकते, रोग अवस्था के साथ नहीं रह सकते, निरोग अवस्था के साथ नहीं रह सकते, धनवत्ता के साथ नहीं रह सकते, निर्धनता के साथ नहीं रहते, कुटुंब के साथ नहीं रह सकते, कुटुंब के आपके साथ नहीं रह सकते। संसार की कोई वस्तु के साथ आप रह सकते ही नहीं। और फिर रखने की इच्छा करना है, ये गलती है। और परमात्मा के साथ अखंड आप रह सकते हो, उनसे को दूर करने की किसी की ताकत नहीं। अब भी भगवान के साथ है, भगवान से विमुख है, साथ अभी नहीं छूटा है, उधर मुख नहीं आ रहा, मुख नाशवान की तरफ है, इस बात से उसका अनुभव नहीं होता है। न तो परमात्मा का वियोग किसी के साथ नहीं हुआ, न होगा और न है, नहीं हो सकता है, वियोग हो ही नहीं सकता। तो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब घटना में, परिस्थिति में परमात्मा है, तो आपसे अलग कैसे हो सकते हैं। परमात्मा को कह दिया था आपकी ताकत हो आप अलग हो जाओ, तो उनकी भी ताकत नहीं अलग होने की, सामर्थ्य नहीं है। तो वही एक साथी है हमारे साथ रह सकता है, और कोई साथ हमारे रहने के साथ। तो संसारी किसी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में ताकत नहीं कि जो आपको संतुष्ट कर सके, आपसे प्रीति कर सके, है नाशवान है बेचारे। आप रह जाओगे ये बदल जाएगा, नाश हो जाएगा, कैसे साथ मिलेगा। तो ये तो आत्मृष्टि तो ये अनात्मा में न हो, आत्मा ये तो आत्मरति हो तो अनात्मरति का त्याग कर दो। और अनात्मा से तृप्ति मत हो, अनात्मा में संतुष्टि मत करो, तो ये बात हो जाएगी, ये स्वाभाविक हो जाएगी। देखो एक मार्मिक बात बताता हूँ, लोग परमात्मा में प्रेम करने के लिए परमात्मा का चिंतन करते हैं, वो भी ठीक है, पर संसार का प्रेम और आसक्ति इसके त्याग के बिना होगा नहीं, और इसके त्यागने से बिना चाहे हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, रति हो जाएगी, तृप्ति हो जाएगी, संतुष्टि हो जाएगी। मानो संसार के साथ विध्यात्मक काम से नहीं होगा, निषेधात्मक से त्याग होगा, त्याग है ना, इसका निषेध करोगे तो स्वतः स्वरूप स्थिति हो जाएगी। ऐसा स्थिति करोगे तो नहीं होगी, क्योंकि करने में मन बुद्धि इंद्रिया इनकी सहायता करनी पड़ेगी, तो जड़ की सहायता से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। चिन्मय तत्व की प्राप्ति के लिए जड़ की आवश्यकता नहीं है, जड़ के त्याग की आवश्यकता है। ये बात त्याग करने में स्वतः वो शांति, स्वतः स्वाभाविक बिना किए क्यों हो जाता है, गुरु के साथ है। अब भी अज्ञानी से अज्ञानी का भी परमात्मा के साथ एकत्व है,
और ज्ञानी का ज्ञानी है उनकी भी है, सबके साथ एकता है और संसार की एकता का त्याग कर रहा है। त्याग में केवल आप हो, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी इंद्रिय की अंतःकरण की मन बुद्धि आदि किसी की जरूरत नहीं है, केवल अपने का हमारा नहीं है, बस इतनी जरूरत है, ये हमारा नहीं है। लड़की होती है ब्याह हो यार भेजे तो पहली होती भी है, माँ याद आती है, माँ से अलग होना कठिन मालूम देता है और भाई बंधु कुटुंबियों में माँ बाप के साथ में रहना अच्छा मालूम देता है, परंतु वह जा करके बहू बन गई, फिर माँ बन गई, फिर दादी बन गई, परदादी बन गई, अब पीहर याद ही नहीं आता, माँ को बाप को भाई को भौजाई की याद नहीं आता, कर्म सापेक्ष नहीं है ये, त्याग सापेक्ष है, किसी कारण से ऐसा होता हो, कर्म के द्वारा हम करेंगे नहीं हुआ, स्वयं हमारा कुटुंब नहीं है ये, हमारा कुटुंब वो है बस, केवल स्वयं के लिए ऐसे स्वयं ही आत्मरक्ष आत्मसंतोष स्वयं है, दूसरे साथ साथ ही नहीं है, साथी होगा तो बाधा लगेगी, कोई कार्य नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई इसमें है साथी नहीं है, केवल अपना संबंध है। उस कन्या के लिए ससुराल के त्याग में कोई उद्योग नहीं है, किसी क्रिया से साध्य नहीं है, अपना नहीं है इसमें बिल्कुल स्वतंत्र है, ये कुटुंब अपना है तो त्याग में ग्रहण में किसी की जरूरत नहीं है, किसी साधन की जरूरत नहीं है, ये सब करना निरपेक्ष है, इसमें कर्म नहीं है, कर्ण निर्माण में आए तो होता, कोई नया नई रचना की जाए, नया कुछ बनाया जाए, उसमें कारकों की जरूरत है, स्वीकार में अस्वीकार में नहीं है, ग्रहण में त्याग में नहीं है। तो ये तो आत्मरति कब होगा, आत्मरति रेव शायद आत्मरति एव, तो और में रति नहीं हो, आत्म ने एव संतुष्ट है, और मैं संतुष्ट न हो, चाहे रुपया मिले, चाहे मान मिले, चाहे राज्य मिले, वैभव मिल जाए, संतोष नहीं हो सकता, करेगा संतोष वो रहेगा नहीं, वो टिकता नहीं। तो इसने त्याग करने से आत्मरति स्वतः होगी स्वाभाविक, क्यों उसे त्याग होगा नहीं, उसमें रति तृप्ति तुष्टि सब हो जाएगा, इस वास्ते दूसरे प्रति राग है, तृप्ति है, रति है, संतुष्टि है, यही बात है, इसका त्याग करने से वो रति तृप्ति संतुष्टि सब हो जाएगी। बाधा को त्याग करने की जरूरत है, अपने लोकों में विशेष करके विधि पर जोर देते हैं, विधि पर नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पूर्ण करो, करो करेगा जितना है नहीं, ये केवल प्रकृति में काम करेगा, उद्देश्य परमात्मा को होने से वो परमात्मा अपना मान लेंगे तो हमारा काम सिद्ध हो जाएगा, मन करने का फल नहीं होगा, शरणागति का फल होगा, शरण हो जाओ भगवान की हो जाएगा, करना इतना हेतु नहीं है, स्वयं अपने आप को अर्पण करना है वो हेतु है, उसमें किसी कर्ण की अपेक्षा नहीं, किसी साधन की अपेक्षा नहीं, मेरे भगवान है, भगवान से कह दो कि आप मत कुछ मत करो, मेरे को इतनी करो कि आप मेरे को मीठे लगे, आप मेरे को प्यारे लगे, बस बस, अरे प्यार करने में भगवान निषेध करते नहीं, और की ताकत नहीं करते निषेध, भगवान मेरे को मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, इस बात का त्याग भगवान भी नहीं कर सकते, आपके कोई साथ साथ प्रेम करे तो आपको बुरा लगेगा क्या, तो आप निषेध कर नहीं सकते, दूसरे की ताकत में, भगवान मीठे लगे मुझे इतनी बात, जो मुझे राम लागते मीठ तो नौ खटर सब हो जाते सीठ, सब निष्ठ हो जाते,
एक राम लाग थे मीठे, तो भगवान मीठे लगे यही मांगो भगवान से कि आप कुछ मत दो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, हमारे को इतनी जरूरत है। इसका नाम है प्रेम। जो चित्त खींचे स्वतः उसमें आन लावे, याद में भी आन लावे। मित्र की याद आती है, प्रेम आता है, इसलिए भगवान याद आवे। जैसे प्यास लगती है तो जल की याद आती है, भूख लगती है वाणी की याद आती है। ये कोई साध्य नहीं है, क्रिया साध्य नहीं है, भूख लगती है। ऐसे भगवान की भूख लग जाए, यहाँ झाड़ी में रहते थे स्वयं ज्योति जी महाराज, तुम वहां गए थे, हम तो पूछा किसी ने कि महाराज भजन कैसे हो, कि भजन तो भूख से होता है भाई, भजन तो भूख से होता है, मन भगवान की रुचि होने से होता है, बोले वो भजन उसी का नाम है। जो भूख लगे भगवान की, जैसे प्यास लगती है, यही भागवत माई अजात पक्षा एवं माता रंग खगा, जैसे जिसके पक्ष के पैदा हुए पर नहीं पैदा हुए वो माँ को याद करते रहते, वो चूड़ लगी थी पाँधे पूरी हुई नहीं, दादी अजात पक्ष हुई तो माता रंग खगा, स्तंभ में था वत्स था सुधारसा, छोटा बसरा बिल्कुल माँ का ही दूध पीता है और घास पानी कुछ नहीं, तो देरी होती है शाम को तो माँ याद आती है, माँ नहीं आई, माँ नहीं आई, अजात पक्षा एवं माता रंग खगा, स्तन नहीं गा वस्त्र अक्षरा प्रियम प्रिय विश्व विषण, विदेश रह जाए पति, वो केवल पति को याद करती है। ऐसे है मैं मना त्वाम निरीक्षा थे, मेरा मन आपको देखना चाहता है, वृत्रासुर कह रहा है, इंद्र के साथ लड़ाई करते हुए वृत्रासुर कह रहा है, विंदाक्ष निरीक्षा दे तो आओ, वृत्रासुर बड़ा भक्त है भगवान का, तो केवल भगवान से जाते बस, न नाथ वैष्णव न महेंद्र वैष्णव न सराधिपत्य कुछ नहीं चाहता मैं, एक मनोहर बिंदास हेर बिंदाक्ष त्वान निरीक्षक आपको देखना चाहता है मन, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे अनन्य भूख लग जाए अनन्य, तो ये भगवान की कृपा से होगा, पर होगा त्याग से, क्योंकि त्याग ने खुला किया है, आपका राग है वो मन में बैठ गया, अब भगवान की लालसा कहाँ बैठे, उसकी लगे जगह नहीं मिली, संसार त्याग दे जगह मिल जाएगी, वो बैठ जाएगा आप सब बिना चाहे बिना किए सत्य अन्य भोग है, वो केवल दुखों के कारण है, दुखों के जनक है, दुखों के कारण है, और आदि अंत वाले हैं, आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, दुखों के कारण है, जैसे पक्षी उड़ जाए अंडा दे जाए, ऐसे ये सुख है तो दुख दे जाए, दुख रहा अंडा दे जाए, ये उड़ जा से ये बात, दुख यो नहीं है उसे, आज जंतु अंत कौन थे, न तेसु रमते बुध, बुध विवेक उनमें रमन नहीं करता, वो वस्तु आत्मतत्व ये होता है, इसमें रमन नहीं करता, संसार जब होगा न तेसु रमते बुध, बुध तेसु न रमते, यह रमते सह न बुध, वो बुध नहीं है, समझदार नहीं है, समझदारी से नहीं जुस्ता पड़ता है, इनसे अलग रहता है, विषयान विषवत त्यज, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं मुक्ति में छत चेतता तो विषयान विषवत त्यज, जहर की तरह विषय को छोड़ दे, ये भयंकर जहर है, वो तो जहर जहर साथ जिस शरीर खाता वो शरीर ही एक मरता है, और ये तो कितनी बार मरेगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है, विष एकाग्र विष्णु अंति एक मारते, ये तो मारते अच्छा भाई मारता ही रहता, मारते की गिनती नहीं है, कारण गुण संगो से सदस्य दिन जीवन एवं जन्म में कारण गुणों का संग ही है, इनकी आसक्ति है, इनकी प्रियता ही है, ये प्रियता रहेगी तब तक भगवान में प्रेम नहीं होगा।
ये सु आत्मरसी रेव आत्म ने एव सबसे एव चाहिए साथ और भी चाहिए और भी चाहिए अनंत एक बाण करुणा निदान की सो प्रिय जाके गति आनंदी अनन्य आशंतो आज अनन्य सेता सत्व मई एव मन आदत्व मई बुद्धि निवेश माम एव ये प्रपद्यंते माया वेदांत रंती थे एव लगाए सब दिखे इसके सिवाय और दिखे न हो मई चानन योगी न भक्ति अब विचार नहीं अब विचार नहीं भक्ति जड़ में न हो तो अभिचारी होती है भक्ति जितनी जड़ में है उतना व्यविचार को उसे ये बात है तो इसका त्याग करो हो जाएगा फिर ये स्वाद उसी हो जाएगा ये हो जाएगी मन मान में बढ़ाई में आराम में पदार्थों में भोगों में इसमें रुचि नहीं होता होगा ये रुचि स्वतः कर्मयोग से संसार रुचि मिलती है जो को देने की रुचि होती है ना तो लेने की रुचि मिट जाती है। एक संत मिले वो कहते मेरा ब्याह हुआ तो एक दिन मैं बगीचे में गया तो एक बड़ा सुंदर आम मिला तो मैं ला करके अपनी स्त्री को दिया। अब इस हाथ से मुंह तो ये नजदीक था ना तो नहीं खा सकी स्त्री में था मुंह तो उसको दिया ला करके इस बात से मालूम होता है दूसरे की देने की दूसरे को देने की इच्छा होने से अपने देने की इच्छा का त्याग होता है। माताएं बालक का पालन करती है वे कितनी तकलीफ उठा रहे पर बालक को दुखी नहीं होने देती बड़ी भीड़ में भी गोदी में सुला देगी बच्चे को सुला ये आराम है तो दूसरे को सुख पहुंचाने से अपने सुख की इच्छा मिटती है। तो कर्मयोग में यही है सर्वभूति से रसा प्राणी मात्र के हित में उनकी प्रीति होती है पर हित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधम आई पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुमाही तो दूसरों के हित की मन में बसेगी तो अपने स्वार्थ की बात का त्याग हो जाएगा स्वतः वो त्याग होने में तो आत्मरसयोग से आप हो जाएगा आपसे आप भगवान प्रीति हो जाएगी अपने स्वरूप पर प्रीति हो जाएगी तृप्ति हो जाएगी तुष्टि हो जाएगी एकदम बात है ये बात है मेरा। अब शंका हो तो बोलो संसार को काम में लो संसार के काम में आ जाओ और संसार मेरे काम में आ जाए मेरे कुछ दे दे ये आशा कभी मत रखना आशा रखोगे तो आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम आशा ही परम दुख संत भक्त महात्मा लोग तो कहते हैं भगवान से भी आशा मत रखो हमें लेना भगवान से ही नहीं और क्या देगी दुनिया देगी क्या विचार देने के पास है ही नहीं कुछ देने को कि तुम नाश होने को जा रहे हैं प्रवाह बह रहा है नाश की तरफ ये देवी क्या क्या निहाल करेगी कभी निहाल करने की नहीं है कोई तृष्णा आपकी बढ़ेगी अभाव का अनुभव होगा केवल अभाव प्रसन्नता पराधीनता अशक्ति कामना इच्छा ये लगेगी पीछे मिलेगा कुछ नहीं ये बात है। नारायण 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 राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 31 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।